हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरी बात को ध्यान समझना। सवाल को नोट नहीं करूंगा, अब टाइम खराब हो जाता है। डायरेक्ट सवाल लगाऊंगा, ठीक है ना? किताब में सवाल आपके लिखे होंगे। तो प्रश्नावली कौन सी चल रही थी हमारी? 12.1, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल पढ़ता हूँ। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि सभी भुजाएं बराबर होंगी। अगर उसने एक भुजा ए का, तो तीनों भुजाएं ए होंगी। हो गया? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 180 सेंटीमीटर, ठीक है ना? यह संकेत। अब इसमें तीनों भुजाएं, मतलब ए बराबर ए है, बी बराबर भी ए है, और सी बराबर भी ए है। ये कैपिटल में इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे छोटे वाले थे, तो यहाँ कैपिटल में कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो एस बराबर क्या होगा? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस बराबर ए प्लस ए बटे 2, 3A बटे में 2, इतना हो गया। अब आगे आ जाओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोइन वाला, कौन सा? एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मान रख दो एस, एस का मान देख लो यहां से, 3A/2 ब्रैकेट, 3A/2 माइनस ए, 3A/2 माइनस ए, 3A/2 माइनस ए। हो गया, हल करो इसको। 3A/2, यहाँ पे एक होगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3, ऐसे यहाँ पर भी होगा 3A/2A, ऐसे यहां पर भी होगा 3A/2A। इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, थ्री ए बटे 2 इंटू ए बाई टू हटा लो इसमें से, क्या बचा? चेक करो, 3 A की पावर, ये मिलकर ए स्क्वायर, ये मिलकर ए स्क्वायर, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16। देखिए, 3 किसी का वर्गमूल नहीं, तो वैसे ही रहेगा। ए स्क्वायर में से एक ए बाहर, ए स्क्वायर में से एक ए बाहर, बटे में 16 है 4 का वर्ग, तो निकल के आया √3/4 इंटू ए और ए स्क्वायर, ये निकल आया। अब कह रहा है कि परिमाप 180 अंश दिया है, तब लगाते हैं, तब देखते कितना मिलता है। हो गया, चल मिटा दें। देखो अब आगे, आगे क्या कहता है वो देखो। आगे उसने कहा है कि संकेत बोर्ड या संभाव त्रिभुज, संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर, तो मतलब S बराबर 180। तो फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, चाहे कैपिटल में लिखो और चाहे स्मॉल वाली लिखो, ठीक है ना? बता चुका हूं, ए बराबर भी ए, बी बराबर भी है, और सी बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो एस का मान 180
बराबर ए प्लस ए प्लस ए बटे दो। एस बराबर पूरा निकालो, ए प्लस बी प्लस सी पूरा कैपिटल में लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी। एस का मान 180, ए प्लस ए प्लस ए पूरा दिया है ना, आधा नहीं दिया पूरा दिया है, तो 3A बराबर 180, ए बराबर 180 बटे 3, 3×18 ए बराबर 60। अब ए का मान 60, तो अर्ध परिमाप निकालो। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 अर्ध परिमाप। अब ये अर्ध परिमाप निकाल रहा हूं, तो 60 60 और 60 बटे 2 कितना हुआ, 120 180, 180 का आधा कितना होगा 90, तो एस बराबर निकल आया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल एस 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, क्योंकि सभी ए बी सी भुजाओं का मान कितना है 60 है। यहां पर कैपिटल में लिया तो कैपिटल में ही ले लेना, ठीक है ना, सब कहीं कैपिटल लिख रहे हैं तो कैपिटल में ले लेना, बाकी मान तो वही हैं। चलो 90, 30, 30 और 30 अंडर रूट, इसको क्या लिखेंगे, 30 गुणे 3 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30, ये जोड़ा ये जोड़ा, जिसका जोड़ा बने उसको बाहर निकालो, जिसका जोड़ा नहीं बने अंडर रूट। 30 3 दिया 9, 900√3 काहे में थी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर ऐसे पढ़ते हैं इसको, हो गया नोट कर लीजिए। हो गया, धन्यवाद।